एक बजे की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचले उस वक्त तेज हो गई जब पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए अपने विधायकों के साथ, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं, अभी हम जहां हैं वहीं पर हैं। दरअसल चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उनकी काफी तेज हो चुकी हैं। अब इन तमाम अटकलों के बीच जब वो पहुंचते हैं दिल्ली और यहां उनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि अभी हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है सोरेन, शिवराज सिंह चौहान से लगातार उनकी बात हो रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर लगातार सियासी अटकलें चल रही हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर, अब आपको बता दें कि चंपई सोरेन जो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, राज्य के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। चंपई सोरेन की गिनती झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं में होती है, सीनियर लीडर्स में होती है, सीनियर नेताओं में होती है। और यही वजह रही कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जब हुई तो चंपई सोरेन को चुना गया मुख्यमंत्री के लिए। अब आपको यहां की स्थिति भी बताते हैं। राज्य में दरअसल चुनाव होना है विधानसभा के, कुल 82 विधानसभा सीटें यहां आती है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 26 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस के पास 22 विधायक हैं, भाजपा के पास भी 22 विधायक हैं, उसके बाद बाकी अलग अलग दलों के विधायक यहां पर हैं। लेकिन इसी बीच ये सियासी हलचले और ज्यादा बढ़ जाती है जब चंपई सोरेन के लिए ये खबर आती है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है और वो शामिल होने वाले हैं बीजेपी में। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा बीजेपी के झारखंड प्रभारी हैं और दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर जो सियासी अटकलें चल रही है उसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, सीएम सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार उनकी नाराजगी की खबरें दरअसल छाई रही। ये कहा जाता रहा कि हेमंत सोरेन जब जेल से छूटकर आए, वापस से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद संभाला, चंपई सोरेन से इस्तीफा लिया, तो तभी से चंपई सोरेन नाराज बताए जा रहे थे और ये एक बड़ी वजह हो सकती है बीजेपी में उनके शामिल होने की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि चंपई सोरेन के साथ ही जो तमाम विधायक हैं उनमें दशरथ गगराई का नाम सामने आ रहा है, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोविन हेम्ब्रोम और समीर मोहंती, ये वो विधायक हैं जो चंपई सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। नाराजगी की खबरें काफी तेजी से चंपई सोरेन की उठ रही थी, लेकिन क्या ये वाकई में सच है, समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या झारखंड में खेला होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद तो चंपई सोरेन इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। देखिए, खेला से अधिक, क्योंकि 25 जनवरी तक कार्यकाल है झारखंड विधानसभा का और वहां चुनाव ड्यू हैं और अभी हम अगस्त के अंतिम सप्ताह की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के लिए खेला करने का नुकसान भी हो सकता है। और जो रिपोर्ट्स हैं कि चंपई सोरेन और 6 विधायक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय जो नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसके संपर्क में ये नहीं है, उसके रडार पे नहीं है और माना जा रहा है कि चंपई सोरेन दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से वो असम भी जा सकते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा सरमा जो हैं वो झारखंड के प्रभारी हैं। तो कहीं कुछ रणनीति तो है, लेकिन ये नाराजगी की रणनीति ऐसी है कि बीजेपी ये मान रही है कि चंपई सोरेन का कार्यकाल एक अच्छे कार्यकाल के तौर पर, फरवरी से जुलाई तक का जो उनका कार्यकाल रहा, 1 साल भी उनको नहीं मिला, लेकिन उनके कार्यकाल से जनता में एक अच्छी बात थी, तो एक अच्छे लीडर को अपनी तरफ लाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और ये थोड़ी अपरिपक्वता थी, अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कि चंपई सोरेन को अपदस्थ किया गया और फिर उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वही फिर पदस्थ हुए, तो ये जो कहानी थी, अगर थोड़ा धैर्य रख लेते चुनाव तक, क्योंकि चंद महीनों की चंपई सोरेन अगर कंटिन्यू करते तो इससे कोई बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसा राजनीति का चरित्र है जया, यहाँ किसी के पास धैर्य नहीं होता और सत्ता ही केंद्र में होती है और यही वजह है कि अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में
फाड़ हो रही है और हो सकता है कि इसकी चरम परिणति किसी ऐसे अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर भी हो जिसकी कल्पना अभी करना कठिन हो। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी खुद ये मानती है कि चंपई सोरेन अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल चंपई सोरेन खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अभी मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, फिलहाल तो मैं अपने निजी काम से ही दिल्ली पहुंचा हूं, लेकिन राजनीति में कब खेला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी तमाम विश्लेषण के लिए। महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, शिवराज के संपर्क में चंपई सोरेन, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं, और हम जहाँ पर है वहीं पर है, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं, और हम जहाँ पर है वहीं पर है, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं।